YouTube चैनल और मैं हूँ रुचि। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे और अपनी हेल्थ का बहुत अच्छे से ध्यान रख रहे होंगे। सो गाइज, एज अ रिक्वेस्टेड, मेरे पास बहुत सारी रिक्वेस्ट आती रहती है कि मैम प्लीज झाइयों के लिए, पिगमेंटेशन के लिए एंड डार्क सर्कल्स के लिए कोई ऐसी रेमेडी बताइए जो कि हमारे डार्क सर्कल्स को, हमारे पिगमेंटेशन को ईजिली रिमूव कर सके और बहुत ज़्यादा खर्चा भी ना हो, यानी कि बहुत आसान सी, बहुत थोड़ी सी कम चीज़ों में हमारा जो हम पैक लगाएं या फिर कुछ भी हम लगाएं वो इफ़ेक्टिव हो। सो गाइज, देखिए झाइयों के लिए तो ऑलमोस्ट मैंने बहुत सारी वीडियो शेयर की है, बहुत सारे लोगों को फ़ायदा भी किया और बहुत सारे लोगों को नहीं फ़ायदा की। सो नहीं फ़ायदा की तो वो आपके स्किन टोन से हो सकता है, हो सकता है आपकी स्किन टोन को वो सूट ना करता हो या फिर आपके पहले से ही कोई बीमारी चल रही हो, यानी कि कोई भी जैसे एक्ने या पिंपल की प्रॉब्लम होती है फेस पे एंड उसी पे झाई भी आ गई तो आप डबल ट्रीटमेंट एक साथ कर रहे हो, इस वजह से भी सूट नहीं करती है रेमिडीज। सो और एक जो सबसे मेन चीज़ है, इम्पॉर्टेंट बात मैं आपसे कहना चाहती हूँ कि बहुत से लोगों का, देखिए जब भी हम कोई चीज़ कहते हैं और ये कहते हैं कि आप इसको कंटिन्यू अप्लाई करना है, तो बहुत सारे लोग इसे कंटिन्यू अप्लाई करते हैं क्योंकि उनके मैसेजेस जैसे आते हैं वैसे पता चलता है कि वो लोग अपने स्किन को लेकर के कितने ज़्यादा कॉन्शियस हैं, कितनी ज़्यादा अपने स्किन की केयर करते हैं। सो उनके मैसेजेस में पता चलता है ये चीज़। और बहुत से लोग ऐसे हैं जिनका मतलब वो इतने ज़्यादा क्वेश्चन कर देते हैं कि लगता ही नहीं कि वो उन्होंने कभी ये चीज़ इस्तेमाल की भी है या नहीं। सो मुझे हमेशा ही इस चीज़ का डाउट रहता है कि मैं जो रेमेडी आपके साथ शेयर करी हूँ कि आप लोग उसको यूज़ करते भी हैं या नहीं, क्योंकि मुझे कोई भी फीडबैक नहीं मिलता अबाउट मैं झाइयों के लिए कुछ भी बनाती हूँ या अनदर किसी भी रेमेडी के लिए बनाती हूँ तो मुझे उसका फीडबैक नहीं मिलता है कि आपने यूज़ किया नहीं किया, उसका क्या प्रॉपर रिजल्ट मिला, कोई भी चीज़ आप लोग शेयर नहीं करते। सो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है कि चीज़ों को इस्तेमाल कीजिए, उसके बाद अपना फीडबैक ज़रूर शेयर कीजिए। दूसरी चीज़ जो सबसे इम्पॉर्टेंट है फॉर पिगमेंटेशन के लिए, जिनको भी झाइयाँ हैं या झाइयाँ शुरू हो गई हैं, तो झाइयाँ जब जिनको झाइयाँ हैं पहले से यानी कि उनके स्किन में हैं और जिनको शुरू हुई है, तो ये कभी मत सोचिए कि झाइयाँ एक बार हो गई तो ये बढ़ती नहीं है, ऐसा नहीं है। अगर आपकी स्किन में झाइयाँ कहीं पे भी हो गई है, चाहे आपके चिक्स पे, फोरहेड पे या फिर आपके माउथ अराउंड कहीं पे भी है, तो वो धीरे धीरे, बहुत धीरे धीरे, लेकिन ये बढ़ती रहती है। सो कोई भी रेमेडी आपको इस्तेमाल करने के लिए दी जाती है तो कंटिन्यू इसलिए कहा जाता है कि कंटिन्यू अगर आप लगातार उसको इस्तेमाल करेंगे तो आपकी जो झाइयाँ हैं वो धीरे धीरे कम होकर के ख़त्म हो जाएगी, क्योंकि अगर आपने इस्तेमाल नहीं किया और कंटिन्यू उसको नहीं किया, अगर आप सोचते हैं कि एक दिन मैंने लगा लिया तो चलो दूसरे दिन स्किप कर जाते हैं, तीसरे दिन लगा लेंगे, तो तीसरे दिन लगाने पे आप क्या देखते हैं अपने फेस पे कि आपको ऐसा लगता है कि जब आप वॉश करते हैं या फिर अपने फेस से हटाते हैं तो आपको ऐसा लगता है कि हमारी झाइयाँ वहीं की वहीं हैं, ठीक नहीं हुई या फिर झाइयाँ और ज़्यादा बढ़ गई, क्योंकि झाइयाँ जो है वो तो धीरे धीरे अपना काम कर ही रही हैं, वो आपकी स्किन को ख़राब कर रही हैं और वो बढ़ रही हैं, वो नहीं रुकेंगी जब तक कि आप खुद अपनी स्किन की केयर नहीं करना शुरू करेंगे। सो रेमेडी जो भी बताई जाती है फॉर पिगमेंटेशन के लिए, सो उसको कंटिन्यूस अप्लाई कीजिए अपने फेस पे, रेगुलर अप्लाई कीजिए जितने भी डेज बताई जाती है या फिर आप 15 डेज, 1 मंथ, मतलब आपको उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। अगर आपको, आपने एक बार वो फेस पे अप्लाई किया, आपको कोई भी इरिटेशन नहीं हो रही, इचिंग नहीं हो रही है, कुछ भी जलन नहीं हो रहा है, तो आप समझ जाइए कि वो आपको सूट कर रही है। सो उसको अप्लाई करने में कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, उसको कंटिन्यूस अप्लाई कीजिए, तभी आप झाइयों से छुटकारा पा सकते हैं। सो आज आप लोग की रिक्वेस्ट पे एक ऐसी रेमेडी शेयर करने जा रही हूँ जो कि सबसे ज़्यादा ईजी है, इससे ज़्यादा ईजी तो आपको नहीं मिलेगी कोई भी रेमेडी फॉर पिगमेंटेशन डार्क सर्कल्स के लिए। सो ये जो रेमेडी है वो आपको आपके घर में ही मिल जाएगी, कहीं पे भी बाहर नहीं जाना है, कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं लेना है, बाजार तो जाना ही नहीं है, सब चीज़ घर पे मिल जानी है, सिर्फ दो चीज़ आपको इस्तेमाल करनी है। लेकिन बस वही मैं अगेंस्ट आपसे एज अ रिक्वेस्ट कर रही हूँ कि इस रेमेडी को या कोई भी रेमेडी हो प्लीज़ उसको कंटिन्यूस अप्लाई कीजिए अपने फेस पे। तो चलिए रेमेडी को बनाना यहाँ पे स्टार्ट करते हैं और देखते हैं इसको कैसे लगाना है, क्या प्रोसीजर है। सो स्टेप बाय स्टेप सारी चीज़ों को फॉलो ज़रूर कीजिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। सबसे पहला प्रोसीजर हमारा होता है क्लींजिंग, यानी कि
आप अपने फेस को यहाँ पे कोई भी रेमेडी अप्लाई करें तो उसके पहले क्लींस जरूर करें, क्योंकि दिन भर हम जो भी काम करते हैं या नहीं भी करते हैं, हम घर में रहते हैं बाहर जाते हैं, तो हमारे स्किन में गंदगी जो धूल मिट्टी होती है वो आके चिपक ही जाती है। सो उसको क्लींस करना बहुत जरूरी है। अगर आप गंदे स्किन पे आप कोई भी पैक अप्लाई करते हैं तो वो आपको बेनिफिट नहीं देता है, उसका जितना भी बेनिफिट्स होता है वो कम हो जाता है। सो स्किन को क्लींस करके उसके बाद ही आप कोई भी पैक या फिर कोई भी चीज अप्लाई कीजिए अपने फेस पे। सो स्किन को साफ करने का सबसे अच्छा तरीका क्या है, आपको लेना है कच्चा दूध, रॉ मिल्क लेना है। जब भी दूध आपके घर में आता है उसमें थोड़ा सा अपने एक बाउल में थोड़ा सा यानी कि आधा बाउल या फिर मेजरमेंट फॉर 6 या 7 स्पून आप उसमें से निकाल के अलग रख लीजिए, एंड वही सफिशियंट है आपका क्लींजिंग करने के लिए भी और पैक के लिए भी। सो जैसे कि आपको लेना है बोल में रॉ मिल्क, आपको बॉयल मिल्क नहीं लेना है क्योंकि बॉयल मिल्क में कोई भी बेनिफिट्स नहीं होते हैं स्किन को क्लींस करने के लिए और ना ही पैक के लिए। सो आपको यहाँ पे रॉ मिल्क का इस्तेमाल करना है, रॉ मिल्क लेना है। उसके बाद आपको लेना है कॉटन इस तरीके से, या फिर आप जो बॉल्स वाले कॉटन आते हैं या घर में रुई वगैरह है उसको भी ले सकते हैं, लेकिन साफ सुथरी होनी चाहिए, गंदी नहीं होनी चाहिए। सो आपको इसमें अच्छे से इसको डिप करना है और उसके बाद इसको स्क्वीज कर लेना है इस तरीके से, अच्छे से स्क्वीज भी कर लीजिए ताकि आपके फेस से ये बिल्कुल भी नीचे से निकले ना। तो आपको क्या करना है, आपको इस तरह की अगर दो हो तो दो लीजिए, तो सबसे पहले से अपने आंखों में इस तरीके से आपको रखना है, फिर दूसरी आईज में इस तरीके से, ज्यादा देर नहीं बस थोड़ी थोड़ी देर के लिए आपको रख के, उसके बाद इस कॉटन से और जितना भी दूध आपने लिया है कच्चा दूध उस पूरे दूध को आपको तब तक अच्छे से इसको क्लींस करना है जब तक कि वो पूरा दूध आपका गंदा, स्किन को क्लींस जरूर करना है अच्छे से। तो इस तरीके से अपने फेस को अच्छे से, फेस को भी और नेक एरिया को भी, क्योंकि हम कोई भी पैक वगैरह अप्लाई करते हैं तो हम नेक एरिया में भी करते हैं, क्योंकि हमारा जो फेस का कलर है और नेक एरिया का है वो डिफरेंट ना लगे, इसलिए हम दोनों में ही अप्लाई करते हैं। सो इसलिए आपको अपने फेस एंड नेक एरिया दोनों को यहाँ पे इस तरीके से कवर कर लेना है। और देखिए, ये देखिए गंदगी दिख रही है ना, तो ये जो भी क्रीम पाउडर आप लगाए रहते हैं ना सारा क्लींस करने पे ये इजिली निकल जाता है। तो आपको ये 1 स्पून रॉ मिल्क लेंगे तो इजिली आपका अच्छे से फेस पे और नेक एरिया दोनों जगह ये अच्छे से कवर हो जाएगा। तो इस तरीके से आपको कर लेना है। और ये देखिए, ये अच्छे से करने के बाद कितनी गंदगी निकली है, ये देखिए दोनों साइड में। तो इसको करने के बाद आपको थोड़ी देर इसको छोड़ना है ड्राई होने के लिए, वॉश बिल्कुल नहीं करना है। इसी के बाद हम अपनी नेक्स्ट जो पिगमेंटेशन एंड डार्क सर्कल्स की रेमेडी है उसको हम अप्लाई करेंगे। और इसको अप्लाई करने का तरीका यही है, रात में, आपको दिन में इसको बिल्कुल अप्लाई नहीं करना है, रात में करना है, क्योंकि ये जितनी ज़्यादा तेजी से जितनी ज़्यादा मात्रा में आपकी स्किन में एब्जॉर्ब होगी उतनी ही ज़्यादा अच्छी से, यानी ये रात भर आपकी स्किन में एब्जॉर्ब होगी और दिन भर ये अपने काम करेगी, यानी कि आपकी जो पिगमेंटेशन है, छाइयाँ हैं, जो मेलानिन है वो तेजी से यहाँ पे बर्न होना स्टार्ट होगा और आपकी स्किन बिल्कुल बेदाग हो जाएगी, दाग रहित हो जाएगी, कोई भी स्पॉट्स एंड झाइयां नहीं होंगी। तो हमें लेना है अगेन से रॉ मिल्क, यानी कि कच्चा दूध हमें अगेन से लेना है। तो मैंने अनदर बाउल में एक और ये देखिए कच्चा दूध निकाल के रखा हुआ है। अब कच्चे दूध में आपको डालना क्या है, आपको डालना है यहाँ पे नटमेग पाउडर, यानी कि जायफल का पाउडर। यस गाइज, जायफल पाउडर बहुत ही इफेक्टिव होता है हमारी झाइयों के लिए और हमारे डार्क सर्कल्स के लिए, डार्क स्पॉट्स के लिए और हमारे स्किन के शेड के लिए, यानी कि जो इवन टोन यानी कि डिस्कलरेशन जो होता है वो बहुत अच्छे से ये रिमूव कर देता है अगर आप इसको दूध के साथ यानी कि रॉ मिल्क के साथ इस्तेमाल करते हैं। दूध आपको यहाँ पे रॉ मिल्क कच्चा दूध लेना है और उसके बाद आपको लेना है आप घर में इजली जो जायफल बड़ी गोल सी जायफल होती है उसको आप तोड़ेंगे तो अंदर एक छोटा सा गोल सा राउंड सा निकलता है, उसको आपको अच्छे से पीस लेना है, कोई भी उसमें दरदरापन नहीं होना चाहिए क्योंकि इसे आपको अपनी स्किन में अप्लाई करना है। सो बिल्कुल महीन आप मिक्सी में या फिर खलबट्टे में कूट करके फिर मिक्सी में या फिर सिर पे पीस कर लीजिए, एकदम महीन कर लीजिए उसको,
उसके बाद इसमें आपको डालना है। तो आपको कितना डालना है ये भी ध्यान से देख लीजिए, क्योंकि इसकी मात्रा ज्यादा नहीं होनी। स्किन के लिए भी बिल्कुल वही करना है। सो आपको यहाँ पे जैसे हमने 2 चम्मच यहाँ पे लिया है रॉ मिल्क का, सो आपको इतनी क्वांटिटी यानी कि टीस्पून जो है उसका पिंच आउट यानी कि चुटकी भर आपको यहाँ पे जायफल लेना है और दूध में मिक्स कर देना है इस तरीके से। सो रॉ मिल्क में हमने यहाँ पे इसे अच्छे से मिक्स कर दिया। सो मिक्स होने के बाद इसे थोड़ी देर के लिए हमें छोड़ देना है ताकि अच्छे से एब्जॉर्ब हो जाए। इसे कॉटन में अब डिप करेंगे और अपने फेस पे अप्लाई करेंगे। सो गाइस बाउल को ले लेना है, बाउल में हमारा जो जायफल है पाउडर, कॉटन लेना है अगेन और अच्छे से इसको डिप करके और स्क्वीज कर देना है इसको भी बिल्कुल वैसे ही, और इसे अपने फेस पे रब कर लेना है इस तरीके से। ये देखिए जैसे हम क्लींस कर रहे थे तो क्लींस में हमने बहुत ज्यादा स्क्वीज किया था यानी कि दूध जो था वो बहुत कम मात्रा में इसमें लगा कॉटन में, लेकिन आपको जब जायफल वाला जब दूध लेना है तो आपको यहाँ पे कम स्क्वीज करना है और दूध आप मतलब ज्यादा आना चाहिए यानी कि आपकी स्किन गीली लगनी चाहिए। ये पूरे अच्छे से आपको यहाँ पे लगाना है और आपको इसको सिर्फ एक बार नहीं करना है, आपको एक बार करके ऐसे छोड़ देना है। जब ये थोड़ा सा सूख जाए तो अगेन आपको इस तरीके से इसमें डिप करना है, स्क्वीज करना है और फिर अगेन से आपको अपने फेस पे लगा लेना है इस तरीके से। कम से कम इस दूध को आपको 4 से 5 बार इस्तेमाल करना है, इसको सूखने देना है, उसके बाद फिर से लगाना है, फिर सूखने देना है, फिर लगाना है, इसी तरह करके कम से कम 5 बार करना है आपको। तो बस ये बहुत सिंपल सा स्टेप मैं आपको साथ शेयर कर रही हूँ और बहुत ही छोटी सी रेमेडी मैंने आपके साथ शेयर की बताई, जिसमें आपको कोई भी ज़्यादा झंझट की ज़रूरत नहीं है। सारी चीज़ें आपको घर में ही मिल जाएंगी, कुछ भी बाहर से नहीं लेना है। जायफल भी सभी के घर में होता है, मसाले में इसका बहुत इस्तेमाल होता है, सो इसको लोग रखे रहते हैं घर में तो, और दूध तो सबके घर में आता है, तो ये सारे दोनों ही चीज़ें आपको मिल जाएंगी। लेकिन आपको करना क्या है, आपको सबसे पहले अपने फेस को वॉश करना है, फिर आपको क्लींजिंग करनी है रॉ मिल्क से, और रॉ मिल्क के साथ ही आपको जायफल के पाउडर को मिक्स करना है और इसे इस्तेमाल करना है, और डेली ये प्रोसेस करना है नया बना करके, यानी कि बच जाए ये वाला सीन मत रखिएगा, क्योंकि आप अपने स्किन के लिए इस्तेमाल करें, आप अपने फेस के लिए इस्तेमाल करें। सो आप इसको डेली थोड़ा 1-1 चम्मच ले लीजिए क्लींजिंग के लिए और 2 चम्मच आपने ले लिया फेस पैक के लिए, क्योंकि आपको 5 स्टेप इसमें करने हैं। सूखेगा फिर लगाना है, सूखेगा फिर लगाना है, इस तरीके से 5 बार आपको करने हैं, और 5वीं बार जब ये सूख जाए तो आपको सिर्फ सो जाना है और कुछ नहीं करना है। फेस पे कुछ भी कोई नाइट क्रीम वगैरह नहीं लगानी है, सुबह मॉर्निंग में ब्रश करना है, फेस को वॉश करना है माइल्ड, अगर आपके पास फेस वॉश है यानी कि एक ऐसा फेस वॉश जो कि सल्फेट या पैराबिन फ्री हो या फिर माइल्ड हो, यानी कि बहुत माइल्ड जो फेस वॉश होते हैं उसमें बहुत कम झाग बनती है, सो वो माइल्ड फेस वॉश होता है। अगर वैसे फेस वॉश आपके पास है तो आप उसको अप्लाई कीजिए, अदरवाइज रहने दीजिए, प्लेन वाटर से वॉश करके बाहर आ जाइए बस। तो सिंपल सा स्टेप मैंने आपके साथ, सिंपल छोटी बहुत छोटी सी रेमेडी आपके साथ। चलिए फिर से मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ। चैनल में न्यू है तो सब्सक्राइब कर लेना जल्दी से बेल आइकन के साथ अगर अभी तक नहीं किया है तो, और वीडियो को लाइक एंड शेयर करना बिल्कुल नहीं भूलना। इतनी मेहनत करते हैं आप सबके लिए, इतनी अच्छी अच्छी वीडियोस लेके आते हैं, तो उसे लाइक जरूर कीजिए एंड शेयर जरूर कीजिए ताकि और लोग इसके बेनिफिट्स ले सकें। तो चलिए फिर से मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, अपना ध्यान रखिए, हैव अ गुड डे, बाय बाय।